जय बजरंगबली। हिंदू धर्म में सप्ताह का सभी दिन अलग अलग देवी देवताओं को समर्पित है। इसके मुताबिक मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित किया गया है। ऐसे में मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करने से महत्व और भी अधिक हो जाता है। इस दिन बजरंगबली यानी कि हनुमान जी के भक्त बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ उनकी पूजा अर्चना करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जिस भक्त के ऊपर हनुमान जी की कृपा होती है उसे अपने जीवन में किसी तरह के कष्ट का सामना नहीं करना पड़ता। इन सब के बीच किसी भी देवी देवता की पूजा करते समय उन्हें भोग चढ़ाने का विशेष महत्व है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बजरंग बली को किन चीजों का भोग लगाना चाहिए? तो चलिए बताते हैं कि वो कौन से भोग हैं जिन्हें हनुमान जी को अर्पित करने से वो प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी को लड्डू बहुत ही प्रिय हैं, इसलिए मंगलवार के दिन उनकी पूजा करते समय उन्हें भोग के रूप में लड्डू चढ़ाना चाहिए। कहते हैं कि लड्डू का भोग पाकर हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्त की मनोकामना पूरी करते हैं। इसके अलावा आप बजरंग बली को भोग के रूप में तुलसी के पत्ते भी चढ़ा सकते हैं। कहा जाता है कि तुलसी के पत्ते हनुमान जी को चढ़ाने से उनकी कृपा बरसती है। हनुमान जी को भोग चढ़ाने के संदर्भ में एक प्रसंग बड़ा ही प्रसिद्ध है। इस प्रसंग के मुताबिक एक बार माता सीता हनुमान को खाना खिला रही थी। हनुमान जी को खाते खाते सुबह से शाम हो गई, लेकिन उनका पेट नहीं भरा। इससे सीता जी काफी परेशान हुई और राम जी से इसकी वजह पूछी। राम ने कहा कि हनुमान जी को तुलसी के दो पत्ते खिला दें, उनका पेट तुरंत भर जाएगा। सीता ने ऐसा ही किया और हनुमान जी का पेट भर गया। चलिए अब आपको बताते हैं हनुमान जी का मूल मंत्र, जिन्हें जपने के बाद बजरंग बली की कृपा दृष्टि सदैव बनी रहती है। वो मंत्र है श्री हनुमन्ते नमः। इस मंत्र का उच्चारण 108 बार रुद्राक्ष की माला के साथ सच्चे मन से करें और ये उपासना संपन्न होने के बाद अपने शोक निवारण के लिए हनुमान जी से विनती करें। इसके बाद हनुमान जी को चमेली का तेल और सिंदूर चढ़ाएं। साथ में यदि हनुमान जी को चोला और जनेऊ पहना सके तो और भी उत्तम है। कुंडली टीवी डेस्क से दीक्षा गुप्ता की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।